अब हम आ चुके हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। ये यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से यात्री उतर करके और सीधे स्टेशन के तरफ प्रवेश करेंगे। ये पूरा जो भव्य स्टेशन है उसका ये भवन है। भवन को भी बिल्कुल राम मंदिर के आकार में ही इसे तैयार किया गया है ताकि जब यात्री स्टेशन पर उतरे तो यही से ही जो है उनके अंदर पूरा एक भगवान श्री राम के मंदिर का जो भाव है वो दिखे। ये काफी लंबी यहाँ पर जो है रेलवे लाइन की पटरी बिछाई गई है। यहाँ पर लगभग जो है वो 4 से 5 लेन यहाँ पर लगाया गया है रेलवे का ताकि जो देश भर से अलग अलग राज्यों से ट्रेन यहाँ पर आने वाली है उसको लेकर के खासकर यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। एक तरफ स्टेशन बन करके तैयार है, दूसरी तरफ जो है वो अभी निर्माण कार्य लगातार जो है वो द्रुत गति से चल रहा है। काफी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। स्टेशन के उस तरफ भी पटरियों को बिछाने का काम यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है। वही दूसरी तरफ की अगर बात करें तो लगभग जो यहाँ पर कम से कम 18 से 20 गेट बनाए गए हैं और अलग अलग गेट के जरिए जो है यात्री यहाँ पर बाहर एग्जिट करेंगे, निकलेंगे और यहीं से सीधे जो है वो ई बस की सेवा भी यहाँ पर शुरू की गई है। और पूरी तरीके से जो है ये अयोध्या नगर निगम के द्वारा जो है बस की सेवाएं उपलब्ध होंगी जहाँ से यात्री निकलने के बाद सीधे राम मंदिर की तरफ जो है वो जाएंगे और वहां पर फिर प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। काफी लंबा ये रेलवे स्टेशन है। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर इक्का दुक्का ही ट्रेनें जो है वो रुकती थी और वो भी बहुत कम दूरी की ट्रेन और उसमें भी कोई बहुत ज्यादा यात्री नहीं होते थे, लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है उसके साथ ही साथ अयोध्या के रेलवे स्टेशन का काम भी काफी तेजी से हो रहा है और आने वाले समय में नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है उसी तरीके की भीड़ जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगी काफी, क्योंकि काफी लंबी जो है यहाँ पर स्टेशन का निर्माण यहाँ पर किया गया है और जब यात्री यहाँ पर आएंगे तो उन्हें एक अलग तरीके का जो है वो यहाँ पर अनुभव हो, एक अच्छे तरीके की विश्व स्तरीय जो सुविधाएं होती हैं रेलवे स्टेशनों के अंदर वो सभी सुविधाओं का लाभ राम भक्त यात्रियों को मिल सके उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये सारा कुछ काम यहाँ पर चल रहा है। कुछ जगहों पर निर्माण पूरा हो चुका है, कुछ जगहों पर निर्माण अभी भी लगातार जारी है। यहाँ पर जो है एस्केलेटर का भी यहाँ पर स्वचालित जो सीढ़ियां होती हैं उससे भी यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की जो है वो कोई दिक्कत न हो। और ये पूरा का पूरा जो है काम लगभग अगर देखा जाए तो बस शायद ये आज पूरा हो जाएगा और 22 जनवरी तक पूरी तरीके से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा ताकि यात्री जो है इस स्टेशन से होकर के और राम मंदिर की तरफ जो है वो जाएं और प्रभु श्री राम का जो दर्शन है वो कर सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत या परेशानी न हो, इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से रेलवे मंत्रालय जो है वो सजग है और अच्छे तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का काम लगातार जो है वो जारी है। कुछ देश के अन्य हिस्सों से जो यात्री हैं जो कि राम भक्त हैं वो आए हुए हैं और स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे भी उनको स्थान मिला है वो यहाँ पर अपने शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ से टिकट भी ले रहे हैं। पूछताछ इंक्वायरी काउंटर है, अभी ये इसको आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया क्योंकि कुछ ट्रेनें जो हैं इस रूट पे संचालित हो रही हैं और यात्री जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर कहाँ से आए हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम दीपक पाटिल है, मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ, अयोध्या दर्शन के लिए आया हूँ। 2 दिन पहले ही आ चुका हूँ
तो 22 तारीख को जैसा प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठान है, इसलिए दर्शन के लिए आ पड़े हैं। अभी जब रिटर्न के लिए तो गाड़ी का पूछताछ टाइमिंग के लिए पूछ रहे थे, लेकिन 3 से 4 दिन के लिए ट्रेन बंद है, उसके बाद ही ट्रेन जा पाएगी यहाँ से। अभी क्या करेंगे 3 से 4 दिन आप? अभी यही है, जरा पूरा अयोध्या घूम लेंगे। पहली बार अयोध्या में कहाँ कहाँ घूमा और आपने क्या क्या देखा? अयोध्या कांड में देखा है, और लता मंगेशकर चौक देख के आए, मंदिर देख के आए, लेकिन मंदिर का तो अभी एंट्री तो बंद है। जैसा ही काम पूरा हो जाएगा, एंट्री भी चालू हो जाएगा, तो प्रभु का दर्शन मिल जाएगा बाद में। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है, जगह जगह पे खाने पीने की व्यवस्था अच्छे सी है, सारे के सारे भक्त पूरे खुश दिख रहे है। कोई साइकिल से आ रहे है, कोई नासिक से पैदल आ रहे है, मुंबई से पैदल आ रहे है, अहमदाबाद से है, तो कहीं ना कहीं भक्तों में बहुत श्रद्धा दिख रही है। कोई पैदल चल के आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा है अयोध्या आके। पहली बार आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारा काम और भी जारी है, कुछ दिनों में 6-7 महीने में तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा अयोध्या का। बिल्कुल, तो ये एक यात्री थे जो इस वक्त अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में ये आए थे ट्रेन से और अब ये प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं, मगर इन्हें पूछताछ काउंटर बताया गया कि चूंकि 4 दिन के लिए अभी कोई ट्रेन यहाँ पर नहीं आएंगी, वो खासकर महाराष्ट्र के नासिक से, तो अभी जो यात्री हैं वो कुछ अभी आ रहे हैं, और कुछ यात्री जो पहले से आ चुके हैं, जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी फिलहाल जो है नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो यहाँ पर ट्रेनों का जो संचालन है वो अभी बंद रखा गया है, क्योंकि भारी जो है भीड़ यहाँ पर उमड़ने की संभावना है, और शहर में जब काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी तो 22 जनवरी को जब VVIP मूवमेंट होने वाला है, उस VVIP मूवमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो, इसलिए जो है यहाँ पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन जो है वो बंद रखा गया है। लेकिन स्टेशन के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर अपनी देखा कि लगातार जो है वहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है। यात्रियों की जानकारी नहीं है, इसलिए यात्री जो है लगातार स्टेशन के तरफ जो है वो जा रहे हैं, ट्रेनों के बारे में लेकर के जो है फिर वापस लौट जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अयोध्या जंक्शन है ये अयोध्या का, जिसको कुछ दिन पहले ही जो है इसका रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था। खुद पीएम मोदी भी यहाँ पर मौजूद थे इस इनोग्रेशन कार्यक्रम में, और उन्होंने कहा था कि विश्व स्तरीय सुविधाएं जो है इस स्टेशन पर मुहैया करवाई जाएगी, और अब ये स्टेशन लगभग पूरी तरीके से बंद करके तैयार है राम भक्तों के स्वागत के लिए। इस वक्त मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन से कैमरामैन दीपक शाह के साथ MV नेटवर्क के लिए जितेंद्र प्रताप सिंह।